मेरे दो बच्चे हैं, आदमी है, उनको हार्ट अटैक का बीमारी है, उनको केम में दवा चालू है उनका। मैं घर काम करके कमा के खाती हूँ, भाड़े का रूम है, बच्चे लोग का फीस है। कभी कभी ऐसा दिन आता है तो बहुत बुरा दिन आता है। अभी तो मेरे आज बच्चे भूखे गए, बच्चे लोग रोते हैं, कभी खाना नहीं हो तो अभी आज खाना नहीं है तो मम्मी हम लोग क्या खाएंगे। देखती हूँ शाम को, मैं पैसा मांग के लेके आती हूँ फिर बनाती हूँ। ऐसा रोज़ मांग के लेके आके बनाना पड़ता है तो उसमें चला जाता है पूरा पगार। अभी महीना निकालने का तो 20 रुपये दो, 10 रुपये दो, ऐसा करके लेके आने का, चावल लेके आने का 1.25 किलो। अभी तो 10 रुपये का आधा किलो चावल मिलता है 20 रुपये किलो से। भूखा मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, उसको देख के हम लोग को मन दुखता है। मेरा 12 साल में शादी हो गया था। मेरे पापा को कैंसर का बीमारी था तो मम्मी ने 12 साल में शादी कर दिया था। तो खाने पीने का बहुत तकलीफ़ था, इस वजह से उन्होंने शादी कर दी थी। बाकी वही खाओ या ना खाओ, घर का भाड़ा दो, महंगाई देखो। जिधर बच्चे लोग को दो रोटी देती थी खाने के लिए, उधर आधी रोटी देती हूँ खाने के लिए। महंगाई की वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो कर नहीं सकती हूँ ना। काम भी पहला थोड़ा बहुत मिल जाता था, अभी कुछ काम भी नहीं मिलता है कि काम करके बच्चे को कुछ कर सकूं। इतना फैसिलिटी नहीं दे पाती हूँ। बोलती हूँ, बच्चे लोग बोलते मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, बोलती कि बच्चे लोग को बोलती बेटे कहाँ से लाऊं मैं, तुम लोग को जितना है उतना खाओ, नहीं है तो फिर उन लोग को मैं मारती हूँ। रोज ही रोते मेरे बच्चे, कभी बोलते मम्मी सब्जी बनाओ, कभी कुछ बनाओ, तो उनको डांट के अपना सुलाने का, जो खाना है खाओ नहीं तो रहने दो सो जाओ, ऐसे ऐसा रोज ही बोलना पड़ता। एक बच्चे को तो पैसे की वजह से बड़ी लड़की का पढ़ाई छोड़ा दी मैंने, पैसे नहीं हो पाते बोल के मैं उसका पढ़ाई छोड़ा डाली। 8वीं तक पढ़ी और घर में बैठी है। तो मैं शादी करके आई, जब इसे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरे को 6 लड़की लोग है, उनका सब करना पड़ता है। मैं कांदा बटाटा का धंधा करके उनको पालती है। इतना लड़की लोग का करने का तो पहले से ही तकलीफ, लेकिन तो मैं जिद्दी से मेहनत से मैं करती थी, लेकिन अभी ये महंगाई बढ़ाना तो मेरे को बहुत ही तकलीफ हो रहा है घर चलाने को। खाना दाल चावल बनता है, कभी रोटी बनती है, चावल नहीं होता है तो रोटी होती है। कभी मतलब ऐसे पैसा मिला है तो लेके आने का और खाने का। खाने के बारे में क्या होता है, अभी सुबह में क्या रोटी बना के रखती हूँ और भाजी, और सुबह उठता बराबर बच्चे लोग को मुंह धोए तो फिर चाय देती है, उसमें भाजी रोटी, वो पूरा दिन वही भाजी रोटी चलता है। क्या ये महंगाई हो गई, दूसरा तो कुछ जमता ही नहीं। और कभी तो कभी कभी दाल चावल ही बनाती हूँ, कभी कभी पैसे नहीं रहते तो दाल भी नहीं बनाती हूँ, खाली चावल बनाती हूँ। बच्चे को उसके अंदर थोड़ा हल्का सा कांदा और नमक तेल डाल के खिला देती हूँ, नहीं तो कभी कभी मिर्ची भुक्की लाती हूँ उसके अंदर डाल के बच्चे लोग को खिलाती हूँ। भाव बोलेगा तो कब से बढ़ रहा है, बोलेगा तो अभी हो गया 5-6 महीना हो गया। ऐसे महंगाई, अभी हम लोग 2-2 रुपया कमाते हैं और 4 रुपये का मंगा का चावल लाएंगे तो उसमें कैसा पैसा होगा और कैसे हम लोग खाएंगे। बहुत हालत होता है अभी बोलेगा तो। दाल का भाव तो बहुत है, 70-80 रुपया है, 90 रुपया, ऐसा ज़्यादा ही बहुत भाव है। कभी कभी तो बच्चे लोग बोलते मम्मी दाल चावल दो ना, तो बोलती हूँ कहाँ से मैं दूँ तेरे को दाल चावल, इतना महंगा दाल है चावल है खाओ, वो भी चावल सस्ता नहीं, इतना महंगा चावल है कहाँ से क्या करेगी मैं। अभी राशन का भाव कम है, वो महंगा ही देते, तो राशन होके भी बोलते राशन नहीं है, ब्लैक से लेके जाओ, खत्म हो गया। और गेहूँ का तैली भरेला अंदर पोत्री भरेला रहता है, बोलता है ब्लैक से 25 रुपये किलो है, ऐसे बोलते हैं, फिर कैसे खाएंगे क्या खाएंगे। हर चीज़ महंगा हो चुका, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि महंगा नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ऐसा थोड़ा पैसा नहीं बढ़ा है कि इंसान का हाल हो, थोड़ा इनकमिंग बढ़ा दिया जाए। पैसा पैसा तो उतना ही है, उसमें तुम खाओ या मरो, या अपने बच्चों को मार दो या तो खुद मर जाओ। छोकरा एक है 8 साल का है, छोटा वाला, वो तो सुबह उठता है रिक्शा को धोता है, मम्मी मम्मी मैंने रिक्शा धोया, मेरे को 2 रुपया मिला, मैं जा रहा, मैं बिस्किट ला के खाएगा, मेरे को भूख लगा। तो फिर कभी कभी मेरे को रोना आता है, मतलब बेटा क्यों काम करते हो,
मम्मी तुम नहीं देते हो ना, मैं इसके लिए लाने जाती हूँ। तो भी मेरे लड़की लोग अभी इधर कांदा बटाटा नारियल बेचते हैं, फिर बाद में कॉलेज जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं छोटे वाले। मेरे परिस्थिति को संभाल के लेके लड़की लोग भी कर रहे हैं सब। 7 साल से थी तब से काम कर रही हूँ, तभी दो दो अंडे से पानी लाने का, पापड़ बनाने का। मेरे बाप भी तभी जुगार खेलते थे, वो भी पेट भर से खाना नहीं उन्हें खिलाया। मेरी माँ भी घर काम करके ही अपना पेट पाली है। मगर मेरे पिताजी मर गए तभी मेरे छोटे भाई छोटा था, एकदम 2 महीने का था। फिर मम्मी काम पर जाने को लगी तो भाई को लेने को कोई नहीं था, इसलिए मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरे को ज़्यादा करके लड़की लोग के पढ़ाई का बहुत मेरे को टेंशन, बोलेगा तो उनका बहुत खर्चा होता है ना, वो मेरे को बहुत। वो मेरा क्या है, लड़की लोग पढ़ के कुछ तो आगे होना ही मनता है। पढ़ाई करके बच्चे लोग कुछ तो बन जाए ना, पढ़ाई तो ये जरूरी है। अभी थोड़ा कम खा के भी पढ़ाई करना ही पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो कोई कुछ पूछेगा नहीं। अभी मेरी ज़िंदगी कैसे ऐसे गई, वैसे ही नहीं होना मनता है। मैं बोली मेरा, मैं कमाती हूँ ऐसे मेरे बच्चे नहीं कमाने मांगता है, किसी का बर्तन नहीं घसने मांगता है, पढ़ के अपना आराम से काम नौकरी करेंगे वो अच्छा है, इसलिए मैंने पढ़ने को डाला है उनको। मैं सुबह 5 बजे उठती तो रात को 12 बजे तक काम करती हूँ, 1 बजे तो कभी सोती हूँ मैं, और वापस दूसरे दिन 5 बजे उठना पड़ता है। दिन भर सारा दिन भर मैं काम करती हूँ। सरकार ने भी देखने मांगता है ना बाबा, ये कैसे गरीब लोग को कैसा दिन निकालते कैसे नहीं। बड़े लोग का क्या, बड़े लोग खाते पीते, महंगाई बढ़ जाए तो उनको कुछ तकलीफ नहीं है, हम लोग रास्ते में रहने वाले को ही तकलीफ होती है ना। वो तो सरकार तो सोच ही रहे कि मतलब गरीब के लिए कुछ करे, लेकिन बड़े लोग होने नहीं देते, कुछ न कुछ अड़चन डाल ही देते हैं उसके अंदर। अभी वो भगवान के हाथ में, आगे क्या होता है किसने देखा है। जो भी रोज का काम है वही करेंगे तो खाने को मिलेगा, दूसरा कोई देने वाला है। देंगे ब्याज से पैसा लो तो उसका चक्री ब्याज लेते हैं, वो भी अपने को देने के जैसा नहीं जमता है। बाबा ऐसे पैसा लो और डबल पैसा कहाँ से देने का, नहीं देंगे तो घर पर आके इज्जत निकालते हैं। तो उससे अच्छा अपने में चलता है तो चलाने का, नहीं तो रहने का है भुखाई। घर में जवान लड़की घर में बैठी हुई है, उसके बारे में सोचते रहती हूँ कि क्या होएगा, आज तो ऐसा है कल क्या होएगा, हमारा हमारे बच्चे का क्या होएगा। लड़की का कुछ टेंशन नहीं, मतलब मेरे लड़की की टेंशन है, उधर कल शादी का है, उसकी शादी मनाने का है, तो 2 पैसा अपने पास रहेगा तो मैं शादी मनाऊँगी ना, ये टेंशन मेरे को बहुत है। को लेके किधर जाएंगे, हमारे बच्चे जवान बोल के हम बहुत सहन करते, कि अपने दिल का बात किसको बोल नहीं सकते, किसको बोलने जाएंगे, किसी को बोलेंगे तो हंसेगा ना, बोल के हम किसको नहीं बता पाते। सवाल हमको पूछने का था, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा, गरीब लोग क्या इंसान नहीं है क्या। कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे मुंह पे बहुत सब बोलते हैं। मेरे को मेहनत करना पड़ता है, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक मेरा बाकड़ा चालू रहे। हर चीज़ का तकलीफ है, किसको बताने जाएंगे, किसके पास जाओ। बाहर देखो तो महंगाई है, घर का देखो भाड़ा, दो खाओ या ना खाओ उनको भाड़ा देना पड़ता है हमको, क्या करूँ मैं। रात को 12 बजे हम लोग सोते और सुबह सुबह 4 बजे तो उठना ही पड़ता है, किंतु भी हम लोग को आराम नहीं मिलता है। Rising prices is continuing to be a bigger and bigger
cause of worry for households. How are they seeming to cope up with all that? The rise in prices and especially the new figures of inflation that have been out have caused a lot of grief and agitation amongst consumers in Mumbai. They have said that they've spoken about this for several days now, but the government has failed to rectify the prices. They were so angry that they refused to come and talk on camera. They're saying that all their pleas are falling on deaf ears. But they've told us that in a city like Mumbai, where the real estate prices are extremely high, where transportation also adds a huge burden to their wallets, the rise in food prices, it's only making their lifestyle suffer the terrible setbacks now. They've also told us that in Mumbai, the savings are basically nil. So everything they earn are now being spent on rent and the escalating food prices in the city. But it seems like the number of people that we spoke earlier, that they have given up their hope with the government to actually make a correction in food prices to make their life stable. They have said that incomes haven't risen in the city as much as the rise in prices are affecting them. So it seems like a very disappointing case, Mumbai, at the moment with this rise in inflation once again.